नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग समाचार के अनुसार राजस्थान में बिपरजॉय अब कहर बरपाने लग गया है। चक्रवाती तूफान के असर से शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में मूसलाधार बारिश हो रही है और इन सभी जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। बिपरजॉय 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जोधपुर, पाली और जयपुर की तरफ बढ़ रहा है। बाड़मेर जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की कई टीमें बुलानी पड़ी हैं। उधर मौसम खराब होने के चलते जैतरण थाने क्षेत्र में 11 केवी की बिजली लाइन गिर गई है, जिसके चलते 16 वर्षीय पूजा कमावत को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान जालौर, सिरोही और रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में सबसे ज्यादा बाढ़ आ चुकी है। माउंट आबू में रिकॉर्ड तोड़ 10 इंच तक पानी बरसा है। मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही और जालौर में सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात खराब बताए हैं। जयपुर में भी सुबह से बादल छाए हुए हैं और लगभग 80% पूरे राजस्थान में, मतलब कि करीब 25 से लेकर 30 जिलों में भयंकर तरह से बादल छाए हुए हैं और यहां पर बिपरजॉय के कहर से भयंकर बारिश का दौर अब शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर और सिरोही, पाली जिलों में रेड अलर्ट को जारी कर दिया है और रेलवे ने बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। वहीं पाकिस्तान से सटे बाड़मेर जिले में 5 गांव बकासर, सेडवा, चौहटन, रामसर और धोरी मन्ना में पूरी तरह से बाढ़ आ गई है और यहां से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं दोस्तों, राजस्थान में बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के अपडेट के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।